नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आपको डिलीवरी के बाद ऐसा लगता है कि आपके बाल कहीं कहीं सफेद हो गए हैं, व्हाइट दिखने लगे हैं, ग्रे दिखने लगे हैं, आजकल तो बच्चों के टीन एज में भी बाल सफेद हो जाते हैं, तो आप जो है दोस्तों, मैं आपको आज इतना बढ़िया नेचुरल हेयर डाई, हेयर कलर नेचुरल तरीके से बनाना बता रहे हैं कि आप देखेंगे ना, और जब लगाएंगे और जब अपने बालों को देखेंगे ना, तो आप खुश हो जाएंगे। और आप कोशिश करिए, अगर आप अपने बच्चे को फिट करा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जो डाई होती, केमिकल डाई होती है, उससे बिल्कुल बचें, क्योंकि आपके आंखों पर भी असर पड़ेगा, बच्चे पर भी असर पड़ेगा, और आप पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डिलीवरी के बाद क्या होता है, आंखें भी कमजोर रहती हैं, सर भी कमजोर रहता है, शरीर पूरी बॉडी ही कमजोर रहती है। तो कोई भी केमिकल आप अपने बालों में नहीं लगाएंगे। बेस्ट नेचुरल कलर आपको आज मैं बताने जा रही हूँ, उसको बनाइएगा। आप अगर महीने में दो बार भी आप लगा लेते हैं ना, तो आपके बालों से कलर बिल्कुल नहीं जाएगा। बाल जो ग्रे हो चुके हैं, व्हाइट हो चुके हैं, वो धीमे धीमे करके उनमें कलर आने लगेगा, और बाल जो है गिरेंगे भी नहीं। उसके लिए मैं आज तो नहीं, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जो है बालों के किस तरह से तेल बना के लगाएं, अपने और अपने बेबी के भी, वो भी वीडियो में बहुत जल्द लेकर आपके लिए आऊंगी। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे तेल के वीडियो पड़े हुए हैं कि कौन से तेल अपने बालों में लगाएं, देख लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको हल्दी से बाल कैसे काला करें। दोस्तों, हल्दी जो है जब बालों में लगाई जाती है ना, तो सबसे ज्यादा जो फायदा करता है वो आपके जो स्कैल्प है उसका ब्लड सर्कुलेशन ये बढ़ाता है, ठीक है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है दोस्तों, तो बालों का झड़ना, गिरना, और सबसे ज्यादा जो असरदार करता है, फायदा करता है, वो जितने भी डैंड्रफ हों, चाहे लीकें पड़ गई हों, चाहे जुआ पड़ गए हों, उनके लिए भी हल्दी आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। और ये बालों में एक नेचुरल ब्लैक कलर आपके बालों में देता है। एक बार में नहीं, अगर आप इसको मिला मिला के आंवला में लगाते रहेंगे ना, तो देखेंगे बहुत ही खूबसूरत कलर आपके बालों में आना शुरू हो गया है हल्दी से। तो एक बार हल्दी का जो है आप जो है कलर जरूर इस्तेमाल करिएगा, एक बार जरूर बनाइएगा। ये मैं ले रही हूँ एक चम्मच हल्दी। इसको क्या करना है, इसको दोस्तों भूनना है ठीक से, ठीक है। इतना भूनना है कि इसको काला करना है भूनते भूनते, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या और मैं डालती हूँ। ये वाली हल्दी में बहुत ताकत होती है, बहुत तेज होती है वो डैंड्रफ को खत्म करने में। अभी देखिए ये भून चुकी है। अब दोस्तों मैं इसमें डालूंगी आंवला। आंवला पाउडर अपने आप में ही एक ऐसा है कि ये बालों को काला करने के लिए ही जाना जाता है, फायदा करता है, बालों में एकदम ब्लैक कलर देगा अगर आप इसको लगाते रहेंगे तो। गजब का, मतलब 1000% मैं गारंटी ले रही हूँ कि जिनके भी ग्रे हेयर हो गए हैं, जो टीन एज के बच्चे हैं, या जिनके 35 से 40 एज है, अगर ये आंवला लगाते रहेंगे, सिर्फ आंवला ही लगाते रहेंगे ना, तो मैं 1000% गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि बेहद ही अच्छा कलर आएगा दोस्तों। तो अब इसमें क्या करना है दोस्तों, अब ये हो गया, अब इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। पानी डाल दीजिए। इस तरह से चला लीजिए। चलाने के बाद दोस्तों फिर से इसको ऑन कर दीजिए और थोड़ा सा इसको पकने देंगे। थोड़ा पानी और डाल लीजिए। जब ये पकते पकते थोड़ा सा पानी दोस्तों इसमें जब कम हो जाएगा ना, तो भी इसको बंद करके इसको ढक करके रख देना है, ठीक है। तो अभी इसको हम पकने देते हैं। दोस्तों अब इसको क्या करना है, बंद कर देना है, बस इतना ही रहने देना है। अब इसको फिर किसी चीज से ढक दीजिएगा जिसमें हवा ना जाने पाए। उसके बाद आप सुबह खोल कर जब देखेंगे तो उसका कलर मैं दिखाऊंगी, और फिर आपको मांग खोल खोल के लगाना है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि नेचुरल डाई किस तरह से बनी हुई है। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, ब्लैक एकदम।
जो टीन एज वाले हैं, जिनके बाल जो है सफ़ेद हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं, और जब डिलीवरी हो जाने के बाद ये आपके लिए बेस्ट है। थोड़ा देर से रिजल्ट आएगा, ये नहीं कि एक बार में आपने लगाया और बाल आपके एकदम काले हो गए। मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, कई बार आप लगाते रहेंगे तो धीमे धीमे हल्का सा रेडनेस आएगा, येलो कलर, फिर धीमे धीमे उसमें ब्लैक बाल निकलने लगेंगे। जो निकलेंगे वो भी ब्लैक ब्लैक निकलेंगे, मतलब बहुत ही अच्छा कलर ये बनता है, बहुत ही अच्छा। इसको लगाने जब लगाते रहेंगे ना, एक खुशी मिलती है कि हम भाई कोई डाई नहीं लगा रहे हैं, मेरे बच्चे को कुछ नुकसान नहीं करेगा, मुझे कोई नुकसान नहीं करेगा, और इसलिए आप एक सुकून सुकून मिलता है इसको लगाने पे। रिजल्ट जरूर थोड़ा देर से आता है लेकिन आता ज़रूर है दोस्तों। तो इसलिए विश्वास के साथ ये कलर जो है आप लगाइएगा और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा धीमे धीमे करके।